दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट कि मैं किसी जेंडर पे पॉइंट उठा रहा हूँ, मैं एक जाहिरियत की बात करूँगा जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस इशू पे बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जो इशू इंडिया में हुआ, एक 31 ईयर्स ओल्ड की लेडी डॉक्टर जिसका ताल्लुक बंगाल से था, वो रिसेंटली डॉक्टर बनी थी। लाइक आपको पता है कि डॉक्टर बनने के लिए MBBS करना पड़ता है, जो होता है 5 साल का। अब उस लड़की ने MBBS किया और फिर वो डॉक्टर बनी। उसके बाद उसकी ड्यूटी लगी एक बंगाल के हॉस्पिटल में, जहाँ पे वो ऑलमोस्ट काफ़ी दिनों से 36 आवर्स की ड्यूटी करती थी, जस्ट फॉर के वो वहाँ के लोगों की मदद करे, उनकी जान बचाए। और आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप काम करते हो तो 36 आवर्स जॉब करना, इट्स नॉट ए ईजी थिंग। वो लेडी डॉक्टर 36 आवर्स जॉब करने के बाद उसने सोचा यार कि मैं कहीं पे भी रेस्ट कर लेती हूँ। जाहिर सी बात है कि आपको रेस्ट करना पड़ता है, वरना आपकी बॉडी काम नहीं करती। और उसी दिन के रात के 11 बजे उसकी मॉम डैड से उसकी बात हुई कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने अभी थोड़ा सा खाना खाया और फिर जो है मैं रेस्ट करूँगी, फिर मैं घर आ जाऊँगी। फिर उसी हॉस्पिटल के सेमिनार में उसने सोचा कि मैं जाके रेस्ट कर लूँ। और 2 बजे के करीब वहाँ पे एक संजय रॉय, जो अभी तक रिसर्च के मुताबिक पता चला है कि वही बंदा है जिसने ये दर्दनाक हरकत की है, वो बंदा आता है। देन ही रेप, वो बंदा आता है और फिर आपको पता है कि उसने क्या किया। मतलब कि डू यू इमेजिन के वो हॉस्पिटल जहाँ पे वो लोगों को बचाने जा रही है, उसी हॉस्पिटल में उसके साथ रेप होता है। फिर ऐसे लड़कियाँ कैसे बाहर निकलेंगी, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, जाहिलियत दोनों तरफ है। मतलब वो बंदी डॉक्टर बनी, सब कुछ किया, उसने बोला मैं इंसानों की खिदमत करूँगी, और फिर उसके साथ ये चीज़ हो जाती है। अब जो जो डिटेल्स है मुझे बात पता चली है, वो मैं नहीं बता सकता कि 90 डिग्री में उसकी लेग्स स्ट्रेच हुई हुई थी और फिर उसके ब्लीडिंग हो रही थी और हड्डियाँ टूटी हुई थी। और फिर वही हॉस्पिटल वालों को जब ये चीज़ पता लगी तो उन्होंने ये चीज़ छुपाने के लिए कि उनके हॉस्पिटल का नाम ख़राब नहीं हो, तो उन्होंने उनके मॉम डैड को बोला कि भाई आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, अब आप आके देख लो। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आ गई कि उस लड़की का पहले रेप हुआ, उसके बाद मर्डर हुआ। और जो चीज़ और पता लगी है उससे यही पता लगा है कि एक बंदा नहीं था, तकरीबन कोई 7-8 लोग थे। मतलब कि आप इतने बड़े हॉस्पिटल में हो, वो हॉस्पिटल जो 138 ईयर्स से उस बंगाल में है, और उस हॉस्पिटल में कोई सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं, कोई सिक्योरिटी कैमराज नहीं है, किसी लड़की के लिए कुछ सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं है। वो लड़की जो डॉक्टर बन के आपके हॉस्पिटल में काम कर रही है, तो मैं यही बोलता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान इन चीज़ों में एक है। वही चीज़ पाकिस्तान में हुई तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बुरी, कि एक मर्द जो 3 साल से कब्रिस्तान में आई हुई डेड बॉडीज़, जो लेडी की डेड बॉडीज़ होती थी, वो जैसे ही तकफीन करने के बाद उनके घर वाले जाते थे, वो उन लेडीज़ डेड बॉडीज़ का रेप करता था। तकरीबन डू यू इमेजिन कि वो लड़की कब्र में है, मतलब कब्र में भी सेफ नहीं है लड़की। 3 साल से वो बंदा ये हरकतें कर रहा था पाकिस्तान के शहर कराची के इलाके कोरंगी में। मतलब 3 साल से वो बंदा कब्रिस्तान में जाता था और पहले चेक करता था कि तकफीन हो रही है, लड़की की डेड बॉडी है, लड़की की है। तकफीन होने के कुछ मिनट बाद वो उसका रेप कर रहा है। और फिर आप बोलते हो कि लड़कियां बाहर जाएं और फिर पढ़े लिखे हैं और फिर जो जॉब कर रहे हैं और फिर जो है कमा के ले कर आए, अच्छी चीज़ है निकलना, लेकिन फिर आप सिक्योरिटी भी तो प्रोवाइड करो। जाहिर है दोनों जगह है। अगेन मैं किसी जेंडर को टारगेट नहीं कर रहा, अनुज जाहिलियत इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये नहीं कि आपने उस पर केस स्टार्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जब तक आप सबके सामने ऐसे रेपिस्ट का गला नहीं काटोगे, भले वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, तो फिर आप नहीं बच सकते। क्योंकि इंडिया में तकरीबन पिछले साल 31,000 और पाकिस्तान में पिछले साल 28,000 लड़कियों का रेप हुआ, तो हमें इसमें आवाज़ उठानी चाहिए। इंडिया में लोग आवाज़ उठाना स्टार्ट हो गए हैं, और जिसन और संजय रॉय आई थिंक जो बंदा उसको पकड़ लिया गया, आई होप कि उस लड़की के साथ जस्टिस हो और पाकिस्तान में भी उस बंदे को पकड़ लिया। आई होप कि दोनों मुल्कों के जो रेपिस्ट हैं उनको सज़ाएं मिले
और उनको फांसी हो और उनके गले काटे जाए और फिर उनको चुरंगी पे हैंग करा जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।